हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में आपकी जाति सूची क्या होती है, आपकी मध्य प्रदेश की जो कास्ट लिस्ट है वो मैं आपको यहाँ पे शो करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका ओबीसी का मैं आपका डिटेल्स दिखाऊंगा कि ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत कौन कौन सी जातियाँ आती है मध्य प्रदेश राज्य में। ओबीसी का मतलब होता है आपका अदर बैकवर्ड क्लास, जिसे हिंदी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं। आपका फिर होता है एससी और एसटी। एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति, और एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति, जिसे हम शेड्यूल ट्राइब भी कहते हैं। तो यहाँ पे एसटी का फुल फॉर्म शेड्यूल ट्राइब, एससी का फुल फॉर्म शेड्यूल कास्ट, ठीक है। एससी मतलब अनुसूचित जाति और ये एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति। तो ये तीनों का कास्ट लिस्ट दिखाऊंगा कि किस कैटेगरी में कौन कौन सी जातियाँ आती है। सबसे पहले मैं आपके मध्य प्रदेश राज्य का ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत कौन कौन सी जातियाँ आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। ये दोस्तों ये लिस्ट रहेगी, और यहाँ पे मैं इस लिस्ट में जो भी चीज़ दिखाता चला जाऊँगा वो आप देखते भी चले जाइएगा, और मैं जातियों का नाम भी पढ़ता चला जाऊँगा। हालाँकि एसेंट में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, उसे आप नज़रअंदाज करते हुए थोड़ा सा खुद से भी देख लीजिएगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा जल्दी जल्दी मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाता हूँ। ये आपकी मध्य प्रदेश में यानी कि आपका एमपी स्टेट में ओबीसी कैटेगरी की कास्ट लिस्ट है। यानी कि जितनी भी जातियाँ भी आपको दिखेगी वो सभी की सभी ओबीसी कैटेगरी में आती है आपके मध्य प्रदेश राज्य में। तो चलो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अहीर, असरा, औधिया, अवेधिया, बदभुजा, बैरागी, बवनिया, बंजारा, बंजारी, बैराई, बरगा, बराही, बराई, बढ़ई, कारपेंटर, बरी, वासुदेव, वसुदेवा, बहना, भरवद, भट, भटियारा, भवसर, भिष्टी, भोज, भोज, भुंजवा, भुर्जी, भुर्तिया, भुटिया, भ्रजवासी, ब्रजवासी, चरण, चिप्पी, चिप्पा, 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 चैत्री, चुंगर, चुंकर, दफाली, दंगी, दर्जी, देसवाली, देवांग, धक्कर, धनगर, धनका, धीमर, धीमर, धीवर, धोबी। धोबी में आपके बहुत सारे एक्सक्लूडिंग भोपाल के जो होते हैं वो, मतलब जैसे कि धोबी में दोस्तों देखो, धोबी जो है वो आपकी ओबीसी कैटेगरी में आती है। एक्सक्लूडिंग जो भोपाल के होते हैं, रेजन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हैं, वो सभी के सभी जो लिस्टेड हो चुके हैं वो शेड्यूल कास्ट में आ चुके हैं, ठीक है। तो वो चीज़ को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। धोली, धोसी, धोसी जिसे हम टाइटल के गदरिया भी कहते हैं, धुनिया, धुनकर, धुरिया, फकीर, फकीर, गादरी, गदरिया, गदरिया, गदरिया पाल और बघेल, गदेला, गदोलिये, गढ़वाल, 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 गरी, गरपगरी, गरवाल, गवारी, ग्यारी, गोली, गोंधली, गुजर, गोजर, गोप, गोपाल, गुवारी, गुवारा, गुरव, गुसाई, और भी कई सारे देख सकते हैं, गवाली, गवारा जादव, हटकर, हजाम, हरवोला, हटगर, हटकर, होला, जसोंदी, जेंद्रा, जंद्रा, झाड़ी, झारी, जिंगर, जोगी, बंजारा, जोगीनाथ, जुलाहा, मुमीन, कसेरा या कैचर जिसे हम कहते हैं, कच्ची, कचू, काची भी कहते हैं, जिसे कि वहाँ पे कुशवाहा या कुशवाहा जो मौर्य जो लगाते हैं, कुशवाहा, कुशवाहा मौर्य और कुशवाहा जिसे हम काची भी कहते हैं, तो वो भी ओबीसी में आती है। काची, कचरवाला, बंजारा, कदेरा, धंका, कडेरे, कहर, कलाल, कलार, कलोटा, कपड़ी, कपड़िया, करमरिया, कसाब, कसाबी, कसई, कसार, कसेरा, कसाब, केवत, केवत रकवर, केवत रकवर, रायकवर, खरवाल, खाटी, खटिया, किरद, किरार, किर, किर में जो कि भोपाल रायजन और जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट में जो होते हैं वो आपके विरतिया और वृतिया सोंधिया में, ये भी आपके किर में आते हैं जो कि आपकी ओबीसी कैटेगरी में आती है। कोडर, कोस्टा, कोस्ता, कुस्काटी, कोस्ती, कोष्टी, और जो कोटवार और कुटवार कोटवाल है एक्सक्लूड, यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं भीड़, धर और देवने, गुनवा, ग्वालियर यहाँ पे पाए जाते हैं, कोयरी, कुशवाहा, करार, कुलबंदिया, कुमावत, कुमावत, कुंभी, कुम्हार, प्रजापति, कुम्हार, प्रजापति, कुंभर, छतरपुर, दतिया, पन्ना, तिलमगा, सतना, रीवा डिस्ट्रिक्ट, सिद्धि एंड शहडोल डिस्ट्रिक्ट में, कुनबी, कुंदेर, कुंजारा, कुरमार, कुरमार, कुरामी, कुर्मी, कुर्मी, लवन, लवाना, लवाना, लखेरा, लमन, बंजारा, लमन, लंबाना, लंबानी, लमने, लिंगतिया, लोध, लोधा, लोधी, लोहर, लोहर, लोपत्ता, लोपेटा, लोपीता, लोहर, माला, माली, माली, सैनी, मला, मैनिहर, मनकर, मंसूरी, मरार, मारू, सोनिया, मथुरा, माथुरा, बंजारी, मवी, मेर, मेरू, मेवाती, मेवाती एक्सक्लूडिंग सिरनोज तहसील ऑफ विस्था डिस्ट्रिक्ट, महाली, मिरासी, मोची, मोमिन अंसारी, म्युधिया, मुदाहा, मुराहा, मुराहा, नैनिया, नदाफ, नाई, नई बरबर, नाई,
नलबंद, नैतोगी, नाट, जो कि अब आपके अदर देन एससी लिस्ट में आ चुकी। नवादा, नवाही, नवी, नवी बंजारा, नवादा, नयदा, नायक, नयाता, नायकाडा, नीलगर, निराली, नोनिया, नुमिया, ओडे, ओड, ओधी, ओधिया, ओडिया, पडमेसली, पनमर, पटका, पटकी, पटवा, पेदमाहली, पिंदवा, पिंडारा जिसे भी कहते हैं, पोवर, कसाब, कसाब कुरेसी, कसाब रकवर, राघवी, राघवी, रायकवर, रायनी, राजगीर, रामगैरी, रंगरेज, रंगारी, रंगरेज, रंगरिद, रंगरेज, रंगरेज, रौत, रोतिया, राव, रोटिया, साहू, सलेश, सैफी, सली, सलमानी, सलवार, सलेवार, सलवेदंगंग, सेवली, सिप्पी, सिलगिर, अस्किलगिरी, सोधी, सोनार, सोनकर, सुन्नर, सुतर, सुथार, सुतिया, सुत्साली, सुड्डी, सवर्णाकर, तडवायवी, तम्बतकर, तमराकर, तम्बोली, तम्बोली कुमावत, तमेर, तमेरा, तमोली, तरह, तेली, राठौर, साहू, तेली, राठौर, साहू, तेली, राठौर, ठठेरा, ठठेरा, थेथवर, तिरुली, तुरवाहा, वासुदेव, वसुदेवा, विश्वकर्मा, वराही, वद्दर, वारी और यादव। जितनी भी मैंने अभी आपको जातियों की लिस्ट दिखाई, जितनी भी मैंने आपको जातियां नाम बोल करके बताई और जितनी भी आपके स्क्रीन पे अभी शो हुई, सभी के सभी दोस्तों आपके मध्य प्रदेश राज्य में ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आने वाली जातियां हैं। अब हमने ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास के यानी कि अत्यंत पिछड़ वर्ग की जितनी भी जातियाँ हैं मध्य प्रदेश में वो मैंने आपको दिखा दी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एससी यानी कि शिड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति में कौन कौन सी, अनुसूचित जाति कैटेगरी में कौन कौन सी जातियाँ आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम मध्य प्रदेश में एससी का जो है यानी कि शिड्यूल कास्ट जो है उसका मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मध्य प्रदेश राज्य में आपका एससी यानी कि शिड्यूल कास्ट में कौन कौन सी जातियां आती है। तो चलो हम आपको एक एक करके वो भी जातियों की लिस्ट दिखा देते हैं। आपके जितनी भी आपकी जातियां शो होने वाली है, जितनी भी मैं आपको लिस्ट दिखाने वाला हूँ वो आपके मध्य प्रदेश राज्य में एससी कैटेगरी में के अंतर्गत ये सब जातियाँ आती है। जैसे कि चलो मैं एक एक करके बताता हूँ, अहिरवार, बैरवा, बलाही, बलई, बाल्मीकि, बंसोर, बराहर, बदसर, बसूर, बसोर, बैडिया, बेलदार, चद्दर, चमार, चमर, दहिया, दनुहा, दनौक, धरकर, धोबी, इन भोपाल रीजन है, सोहर डिस्ट्रिक्ट, दूमर, गांधा, मतलब दोस्तों देखो धोबी जो कि भोपाल रीजन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में जो धोबी निवास करते हैं वो एससी कैटेगरी में आते हैं, और इन डिस्ट्रिक्ट के अलावा कोई दूसरे अगर डिस्ट्रिक्ट में धोबी निवास करते हैं, ठीक है, तो वो आपके ऑटोमेटिकली ओबीसी के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो दूमर, गंदा, जाटव, कनेरा, कटिया, खंगर, खटिक, कोली, कोरी, महार, महारा, मांग, मेहर, मेहरा, मेहतर, पासी, रैदास, सांसी, सूर्यवंशी, तो ये सब जितनी भी जातियां हैं वो आपके मध्य प्रदेश में एससी कैटेगरी के अंतर्गत आने वाली जातियाँ हैं। तो चलो आपका एससी कैटेगरी का भी आपका कंप्लीट लिस्ट हो गया है और ओबीसी का भी मैंने आपको पूरी कास्ट लिस्ट दिखा दी है जो कि आपके मध्य प्रदेश राज्य की है। और अब मैं आपको अंतिम में एसटी कैटेगरी यानी कि शिड्यूल ट्राइब में आने वाली जातियों की लिस्ट जो है वो आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब मैं आपको मध्य प्रदेश में एसटी के अंतर्गत यानी कि शिड्यूल ट्राइब के अंतर्गत कौन कौन सी जातियाँ आती है उसकी लिस्ट में आपको जो है यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो मध्य प्रदेश में आपकी कौन कौन सी जातियाँ आती है वो रिलीजन में आ गया, जातियाँ देख सकते हो, बहेलिया, बैगा, भील, भील मीना, व्यार, दंका, गोंड, करकू, कोल, कुचा, मैरिया, माझी, मोगिया, औरन, पनिका, इन, छतरपुर, प्रधान, सोनर, उमरिया, ये सब जितनी भी जातियाँ थी जो मैं अभी आपको दिखाई वो सभी के सभी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाली जातियां हैं और ये आपके एसटी कैटेगरी में बिलोंग करती है यानी कि शेड्यूल टाइप यानी कि अनुसूचित जनजाति में बिलोंग करती है। दोस्तों और भी कई सारी जातियां जो है वो और भी जातियां होंगी तो वो आपकी फिर जनरल, अगर आपकी लिस्ट में अगर नहीं आई है आपकी जातियां तो आप समझ के चलिएगा जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हो, जैसे कि पंडित हो गया, राजपूत हो गया, चौधरी हो गया, ये सब और भी कई सारी जातियाँ जो होती है वो आपके जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आती है। जो अभी आपको जातियों की सूची नहीं दिखी ओबीसी में भी नहीं दिखी, ना ही ओबीसी में दिखी और ना ही एससी में दिखी और ना ही आपको एसटी में दिखी, तो वैसी जातियां आपके डायरेक्टली जो है वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो जो मैंने आपको जातियां नहीं बताई वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आती है, हालांकि ओबीसी में भी कई सारी जातियां शायद छूटी होंगी, बाकी मैंने यहां पे डायरेक्टली आपको साइड से ही दिखाया है ताकि आपको कोई भी ऐसा इश्यू ना हो कि मतलब कोई भी जातियां छूटी होंगी, क्योंकि यहाँ पे लगभग जितनी भी थी टोटल जातियां जो है वो सभी की सभी लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल गई है, ठीक है।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी भी प्रकार की पूछताछ या क्वेरी के लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।